पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक समिट पर विदेश मंत्रालय का बयान, आतंकवाद और कट्टरपंथ पर हुई चर्चा, दोनों देशों ने ही जाहिर की चिंता। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत में अपने स्वागत से काफी खुश हुए जिनपिंग, द्विपक्षीय संबंध, व्यापार और निवेश पर भी हुई चर्चा। तमिलनाडु सरकार के इंतजाम पर पीएम मोदी ने काफी तारीफ की। जिनपिंग के दौरे के दूसरे दिन आज सुबह 9:50 पर दोनों नेता फिशरमैन्स कोव रिजॉर्ट एंड स्पा पहुंचेंगे। 10:50 पर दोनों देश के बीच डेलीगेशन लेवल की चर्चा होगी। 11:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए लंच होस्ट करेंगे। 1:30 जिनपिंग भारत से नेपाल रवाना होंगे। महाबलीपुरम में पीएम मोदी ने पारंपरिक तमिल परिधान पहनकर किया चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत। जिनपिंग ने भी उतारा अपना कोट। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ महाबलीपुरम में पंचरथ का किया भ्रमण। पीएम मोदी ने खुद पंचरथ के बारे में चीनी राष्ट्रपति को दी जानकारियां। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने महाबलीपुरम में अर्जुन की तपस्या स्थली का किया भ्रमण। अर्जुन की तपस्या स्थली पर दोनों नेता आपस में गुफ्तगू करते दिखे। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को कृष्णा बटर बॉल भी दिखाया। 250 टन का ये प्राकृतिक चट्टान पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। दोनों के बीच दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग। कृष्णा बटर बॉल में 1200 साल से ये एक ही स्थान पर स्थित है। ये पत्थर, पीएम मोदी ने पत्थर के टिके होने के स्थिति के बारे में जिनपिंग को बताया। जिनपिंग ने मुस्कुराकर पीएम को दिया उत्तर। कई स्थानों पर पैदल भ्रमण के बाद विश्राम के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पिया नारियल पानी। पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से नारियल का पानी और टिश्यू जिनपिंग को दिया। समुद्र किनारे स्थित शोर मंदिर पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने किया भ्रमण। दोनों नेताओं ने शोर मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। उन्नाव बलात्कार पीड़िता के साथ सड़क दुर्घटना में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और दूसरों के खिलाफ सीबीआई का आरोप पत्र दाखिल, हत्या के आरोप नहीं लगाए गए। शोर मंदिर में कलाकारों ने पीएम मोदी और शी जिनपिंग के स्वागत में कथक और मोहिनीअट्टम नृत्य किया प्रस्तुत। रामायण की भी दिखी झलक। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पेड़ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बचे। हेलीकॉप्टर ने लैंड किया लेकिन मिट्टी गीली होने की वजह से पहिया फिसला। कीचड़ में टायर फंसने के बाद पायलट ने कुछ पल के लिए खोया कंट्रोल, जल्द ही हेलीकॉप्टर को काबू में किया। मुख्यमंत्री समेत सभी सुरक्षित। आदित्य ठाकरे पर बोले मुख्यमंत्री फडणवीस, बड़े अंतर से जीतेंगे आदित्य, अगर कैबिनेट में शामिल होते हैं तो हम स्वागत करेंगे। शिवसेना आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र वचननामा। 10 रुपए में भरपेट भोजन का हो सकता है वादा। बीजेपी 15 अक्टूबर को जारी करेगी मैनिफेस्टो। नारायण राणे का दावा, 15 अक्टूबर को उनकी पार्टी स्वाभिमान पक्ष का बीजेपी में हो जाएगा विलय। देवेंद्र फडणवीस के साथ कनकवली में करेंगे रैली। पाकिस्तान ने सीरिया पर हमले को लेकर तुर्की का समर्थन किया। उसे अपने ही घर में इस पर फजीहत झेलनी पड़ रही है। भारत और फ्रांस ने सीरिया में बम बरसाने पर तुर्की की आलोचना की है। पेशावर में अफगानिस्तान का कंसुलेट बंद। अफगानिस्तान के राजदूत ने पाकिस्तान पुलिस पर लगाया हमले का आरोप। भारत में बेवजह दखल देने की नाकाम कोशिश करने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अपने ही घर में फंसे। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इमरान खान के खिलाफ आयोजित मौलाना फजलुर रहमान के जमायत उलेमा इस्लाम फज्द के आजादी मार्च का किया समर्थन। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भगोड़े अपराधी दाऊद इब्राहिम के दाएं हाथ इकबाल मिर्ची के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसके दो सहयोगियों को किया गिरफ्तार। यूसुफ और बिंद्रा पर दूसरों की संपत्तियों को जबरन मिर्ची के नाम करने में मदद करने का आरोप। बीजेपी के बाद कांग्रेस में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के पक्ष में। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई। मध्य प्रदेश के बैतूल के शाहपुर में पोस्टेड मेडिकल अफसर रजनीश शर्मा एक महिला के साथ सुनसान इलाके में संदिग्ध हालत में पकड़े गए। भीड़ ने की पिटाई, पुलिस ने डॉक्टर को भीड़ से बचाया।
मामला उजागर होने के बाद कलेक्टर ने बीएमओ के निलंबन का प्रस्ताव कमिश्नर को भेजा। बीएमओ ने भी पुलिस को अपने साथ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। महाराष्ट्र के नागपुर में शिकारियों के जाल में फंसकर घायल हुए साहेबराव बाघ के पंजों की सर्जरी की तैयारी। कृत्रिम पंजे लगाए जाने से पहले की सर्जरी सफल। बिहार के छपरा में टिकटॉक वीडियो के लिए युवक जोखिम में डाल रहे हैं जान। ट्रेन चलते वक्त रेल ब्रिज से नदी में कूदने का वीडियो वायरल। सूरत में छात्रा के हाथ से मोबाइल छीना। कैब ड्राइवर ने मोबाइल छीनने वाले को मारी टक्कर। छात्रा को वापस मिला मोबाइल। सिलीगुड़ी में 25 हाथियों के झुंड ने मचाया हंगामा। टी गार्डन के कर्मचारी डर कर भागे। ओडिशा के बालासोर में हाथी ने एक शख्स को मारा। 3 दिन में 18 हाथियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और अनाज भी खा गए। हिंडन एयरपोर्ट से व्यावसायिक फ्लाइट शुरू। गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह ने 9 सीटर प्लेन पिथौरागढ़ के लिए किया रवाना। बिहार के जहानाबाद में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में संघर्ष, 1 की मौत। बिहार के गया में पुलिस पार्टी पर हमला। वारंट तामिल कराने गई पुलिस पर आरोपी जगदीश भारती के परिवार वालों ने किया हमला। 3 पुलिस वाले घायल। अमृतसर में रेत माफिया का आतंक। शिकायतकर्ता के घर में घुसकर तलवार और रॉड से किया हमला। गोरखपुर की 22 साल की आयशा को 1 दिन के लिए बनाया गया ब्रिटिश हाई कमिश्नर। इनाम के रूप में मिला सम्मान। आगरा में जंगल किनारे खेत में अजगर ने सियार को जकड़ में फंसा कर मारा। वन कर्मियों ने अजगर को जंगल में छोड़ा। सिवान में तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर हमला। कहा डबल इंजन की सरकार नहीं ला रही बिहार में विकास। नीतीश कुमार को बताया पलटू चाचा। बिहार के कटिहार में दहेज में 2 लाख नहीं मिलने पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप। अस्पताल में शव रखकर हुआ फरार। 3 साल पहले हुआ था निकाह। अयोध्या में भूमाफिया के खिलाफ प्रदर्शन। तख्तियों समेत करीब 3 दर्जन महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट। भूमाफिया पर छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने, परिवार वालों की पिटाई का आरोप। अफ्रीकी देश इथियोपिया के प्रधानमंत्री को मिलेगा शांति का नोबेल पुरस्कार। पड़ोसी देश से सीमा विवाद खत्म करने पर अभी अहमद को मिलेगा सम्मान। पीएम बनने के 100 दिन के भीतर ही हटाई थी इमरजेंसी। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी के होम बायर्स ने शुरू किया आमरण अनशन। 83 दिनों से धरना जारी। सीएम से लगाई समाधान की गुहा। एसआईटी के सामने पेश हुए समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान। बेटे अब्दुल्ला आजम रहे साथ। जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन कब्जे का है आरोप। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह का बड़ा दावा। टेरर फंडिंग में पकड़े गए आरोपियों के पास से मिली नेपाली करेंसी। यूपी के वाराणसी में बड़ा हादसा टला। निर्माणाधीन ओवरब्रिज की शटरिंग गिरने से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। 2018 में इसी पुल का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर वन मंत्री उमंग सिंघार का गंभीर आरोप। कहा वृक्षारोपण के नाम पर हुआ फर्जीवाड़ा। करीब 450 करोड़ का हुआ घोटाला। ईओडब्ल्यू को सौंपी गई जांच। बीजेपी ने बताया नाकामी से जनता का ध्यान बांटने की साजिश। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। कहा जेपी का त्याग और समर्पण हमेशा रहेगा प्रेरणा स्रोत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 1 नक्सली हुआ ढेर। बिहार के गया में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर बदमाशों ने किया हमला। 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। छत्तीसगढ़ के बेमेतारा में 5 अक्टूबर को हुए एटीएम कैश वैन से 1,64,00,000 रुपए की लूट को पुलिस ने सुलझाया। कैश वैन के इंचार्ज ने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को दिया था अंजाम। लूट के 16,00,000 रुपए भी बरामद। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बना रही योजना। टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल राशि में दी जाएगी छूट। रुपया 5 पैसे मजबूत होकर हुआ बंद। $1 की कीमत हुई 71.02 रुपए। महाकाल मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद और दूसरी चीजों के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। अभिषेक पूजन के साथ लड्डू प्रसाद के दाम में भी बढ़ोतरी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 601 रन। पारी की घोषित।
दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट गंवाकर 36 रन बनाए। भारत के लिए 2 विकेट उमेश यादव ने और 1 विकेट मोहम्मद शमी ने लिया। पुणे टेस्ट मैच में दिखा विराट का करिश्मा, विराट ने पहली पारी में बनाए नाबाद 254 रन। दोहरा शतक के साथ विराट ने टेस्ट करियर में 7000 रन किए पूरे, सचिन सहवाग पोंटिंग समेत कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा हुआ खत्म, कार्निवल में अलग अलग थीम पर लगाए गए पंडाल। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने मानिकतला चलता बागान लोहापट्टी दुर्गा पूजा में सिंदूर खेला में लिया हिस्सा, पति निखिल जैन भी रहे मौजूद, कहा मेरे लिए सभी धर्म एक बराबर, दिया शांति का संदेश। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को साजिद नाडियाडवाला ने 3 फिल्मों के लिए किया साइन, सोन चिड़िया के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं करने के बाद फिल्म छिछोरे साबित हुई सुपरहिट। फिल्म अभिनेता और सांसद सनी देओल और अभिनेत्री करिश्मा कपूर को 22 साल पुराने मामले में जयपुर कोर्ट से मिली राहत, फिल्म शूटिंग के दौरान ट्रेन की चेन पुलिंग करने के मामले में किया आरोप मुक्त।